करना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। वे आज यहाँ हरियाणा गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। इससे जहाँ जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में लगभग 624 गौशालाएं हैं, जिनमें 4,50,000 गौवंश का पालन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 335 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाए गए तथा दूसरे चरण में 225 गौशालाओं में प्लांट लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान मंत्री ने शहरी विकास निकाय व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में उनकी क्षमता के अनुसार रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं का जायजा लिया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।